जबलपुर के गौर स्थित सेंट अलोशियस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉलेज में शुक्रवार से दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत हुई। सम्मेलन में देश विदेश के विशेषज्ञों के साथ बिशप और फादर ने छात्रों को प्रेरित करते हुए भारत को आत्मनिर्भर और वैश्विक रूप से सक्षम बनाने में विज्ञान, शिक्षा और प्रौद्योगिकी विषय पर संबोधित किया। जबलपुर के गौर स्थित सेंट अलोशियस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉलेज में भारत को आत्मनिर्भर और वैश्विक रूप से सक्षम बनाने में विज्ञान, शिक्षा और प्रौद्योगिकी विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में डायसिस ऑफ जबलपुर के बिशप जेराल्ड अल्मेडा बतौर मुख्य अतिथि एवं सोसाइटी फॉर टेक्नोलॉजी एडवांस्ड मटेरियल ऑफ इंडिया नागपुर के डॉक्टर किशोर रावेटकर और रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल सीवी रमन यूनिवर्सिटी के डॉक्टर रत्नेश तिवारी ने शिरकत की। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर रेणु पांडे सहित कॉलेज स्टाफ की मौजूदगी में सहायक प्राध्यापिका शबनम अख्तर द्वारा लिखित पुस्तक हिंदी भाषा का विमोचन हुआ। संस्था के संरक्षक डॉक्टर फादर डेविस जॉर्ज ने विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विज्ञान, शिक्षा और प्रौद्योगिकी विषय पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता को रेखांकित किया। You are the picture of Guru Nanak. All these are good. And the Hanuman as well as... And also made efficient. And also made... We must educate, empower our people. Not just 20 or... Therefore, educated people like you and me have got a great responsibility. दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है सेंट अलोशियस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसमें बहुत सारे लोग हाइब्रिड मोड पर और बहुत सारे लोग फिजिकल मोड पर यहाँ उपस्थित हैं। विदेश से हमारे रिसोर्स पर्सन हैं और भारत के भी विशेषज्ञ लोग इसमें भाग ले रहे हैं। और संगोष्ठी का विषय है रोल ऑफ साइंस education and technology in making India self-reliant and globally competent. Is vishay par many research colleges will present their papers, resource personnel will give their input session. Aur ye sab ka uddesh hai ki Bharat ko sachmuch mein ek vikasit atmanirbhar desh banaye jisme science vigyan aur higher education ka technology ka बहुमूल्य योगदान है। इसके अंतर्गत ये जो पेपर्स रिसर्च पेपर दिया जाएगा, इसके अंदर ये विचार विमर्श किया जाएगा कि किस प्रकार हमारे हायर एजुकेशन में, टेक्निकल एजुकेशन में, साइंस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में हम इस जागरूकता लाएं कि सचमुच में भारत एक आत्मनिर्भर देश बने। और इसका जो भी हमारा जो भी इसका डिस्कवरी है, इंसाइट्स हैं, ये परकुलेट हो जाए आम जनता के पास, इससे मानव जाति के लिए फ़ायदा होना चाहिए, तभी तो ये सार्थक बनेगा। वट एवर वी डिस्कस, वट एवर वी डिलिबरेट, वट एवर वी प्रेजेंट, द रिसर्च एंड पब्लिकेशन शुड परकुलेट डाउन टू द कॉमन पीपल सो दैट दे विल बेनिफिट फ्रॉम दिस टू डेज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। ये दो दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है रोल ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड रोल ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी इन सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए हमारा क्या योगदान है, इस पर हम यहाँ पे सब लोग एकत्रित हुए हैं डिस्कशन करने के लिए। और मुझे बड़ी खुशी के साथ ये बता रही हूँ मैं आपको कि हमारे यहाँ सिर्फ इंडिया से ही नहीं, बाहर से भी हमारे साथ लोग जुड़े हैं, जिसमें कि हम ये दो दिन में ये इस बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से हम एजुकेशनिस्ट इस
इसके लिए काम कर रहे हैं और एज ए टीचर वी आर एक्चुअली द टॉर्च वियरर्स. हमारे हाथ में वो सारी चीज़ें हैं, वो सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको हम आगे के लिए आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए तैयार कर सकते हैं, उनको एंटरप्रेन्योरशिप सिखा सकते हैं, उनको स्किल्स सिखा सकते हैं, टेक्नोलॉजी को सही तरीके से यूज़ करना सिखा सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो है तो सब जगह, लेकिन कई जगह वी आर मिस यूजिंग दिस. सेंट अलोयसिस कॉलेज में शुक्रवार से 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का शुभारंभ हुआ. भारत को विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के लिए टेक्नोलॉजी के उपयोग पर आयोजित सेमिनार में देश विदेश के कई विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया और अपने रिसर्च पेपर प्रस्तुत किए. खासतौर पर हायर एजुकेशन में टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया ताकि छात्र छात्राएं टेक्नोलॉजी का उपयोग कर देश को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने में अपना सहयोग दे सकें. 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है सेंट अलोयसिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसमें बहुत सारे लोग हाइब्रिड मोड पर और बहुत सारे लोग फिजिकल मोड पर यहाँ उपस्थित हैं. विदेश से हमारे रिसोर्स पर्सन हैं और भारत के भी विशेषज्ञ लोग इसमें भाग ले रहे हैं और संगोष्ठी का विषय है रोल ऑफ साइंस एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी इन मेकिंग इंडिया सेल्फ रिलायंट एंड ग्लोबली कॉम्पिटेंट. इस विषय पर मेनी रिसर्च कॉलेज विल प्रेजेंट देयर पेपर्स, रिसोर्स पर्सनल विल गिव देयर इनपुट सेशन और ये सब का उद्देश्य है कि भारत को सचमुच में एक विकसित आत्मनिर्भर देश बनाए जिसमें साइंस विज्ञान और हायर एजुकेशन का टेक्नोलॉजी का बहुमूल्य योगदान है. इसके अंतर्गत ये जो पेपर्स रिसर्च पेपर दिया जाएगा इसके अंदर ये विचार विमर्श किया जाएगा कि किस प्रकार हमारे हायर एजुकेशन में, टेक्निकल एजुकेशन में, साइंस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में हम इस जागरूकता लाएं कि सचमुच में भारत एक आत्मनिर्भर देश बने और इसका जो भी हमारा जो भी इसका डिस्कवरी है, इनसाइट्स हैं, ये परकुलेट हो जाए आम जनता के पास. इससे मानव जाति के लिए फ़ायदा होना चाहिए, तभी तो ये सार्थक बनेगा. वट एवर वी डिस्कस, वट एवर वी डिलिबरेट, वट एवर वी प्रेजेंट, द रिसर्च एंड पब्लिकेशन शुड परकुलेट डाउन टू द कॉमन पीपल. ये 2 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है रोल ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड रोल ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी इन सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए हमारा क्या योगदान है, इस पर हम यहाँ पे सब लोग एकत्रित हुए हैं डिस्कशन करने के लिए. और मुझे बड़ी खुशी के साथ ये बता रही हूँ मैं आपको कि हमारे यहाँ सिर्फ इंडिया से ही नहीं बाहर से भी हमारे साथ लोग जुड़े हैं, जिसमें कि हम ये 2 दिन में ये इस बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से हम एजुकेशनिस्ट इसके लिए काम कर रहे हैं और एज ए टीचर वी आर एक्चुअली द टॉर्च वियरर्स. हमारे हाथ में वो सारी चीज़ें हैं, वो सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको हम आगे के लिए आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए तैयार कर सकते हैं, उनको एंटरप्रेन्योरशिप सिखा सकते हैं, उनको स्किल्स सिखा सकते हैं, टेक्नोलॉजी को सही तरीके से यूज़ करना सिखा सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो है तो सब जगह, लेकिन कई जगह वी आर मिस यूजिंग दिस. सो वी आर द एजुकेटर्स एंड वी आर इन रोल टू एजुकेट द स्टूडेंट्स हाउ टू यूज़ दिस टेक्नोलॉजी इन अ राइट वे. So we are here gathered from different states of India and out of the country also we have gathered here to discuss and present papers. We have poster presentations and paper presentations.